बेसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे आइए सब पढ़े चलो, पढ़े चलो, पढ़े चलो। भ्रष्ट बेसी के खिलाफ आइए सब लड़े चलो, लड़े चलो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों पढ़े चलो, पढ़े चलो, पढ़े चलो। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कार्यशैली के विरोध में आज AISF के छात्रों ने बेगूसराय में नारेबाजी की एवं LNMU के BC का पुतला दहन किया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का रिजल्ट विलंब से दिया गया, जिसके बावजूद 30% छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, तो वहीं लगभग 25% छात्रों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लगातार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। जल्द से जल्द विद्यार्थियों के रिजल्ट में सुधार किया जाए, अन्यथा ASISF पार की लड़ाई कर लड़ने को तैयार रही। लगातार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा बेगूसराय के छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो पार्ट 3 हो, तमाम रिजल्ट निकल गया है। एक तो रिजल्ट लेट दिया है, उसके बाद ये रिजल्ट देने के बाद इतना धोखा किए हैं 30% छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है। 30% छात्रों का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है नेट पे, और जो बच्चे पेंडिंग पड़े हुए थे उनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग है, ये बेगूसराय के लिए नहीं, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग की बात है। अगर मैं DC को कह देना चाहता हूँ, अगर जल्द से जल्द रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग, हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब तक आप रिजल्ट नहीं सुधार करते हैं तब तक हमारा संगठन आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। आज हम पुतला फूक रहे हैं, आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सिटी बंद करने का काम करूंगा। जब तक रिजल्ट सुधार नहीं होता तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे।